हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन लगाए जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर किया निवारण। स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल से 90% तथा शेष 10% उपचार के माध्यम से जेई एएस होगा नियंत्रित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे सहयोग का किया आह्वान। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हेंसेफ्लाइटिस निःशुल्क चिकित्सा कैंप का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, कहा साफ सफाई से हेंसेफ्लाइटिस को किया जा सकता है काबू, जागरूकता जरूरी। मंडलायुक्त के निर्देश पर मंडलीय अधिकारियों ने किया विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय का निरीक्षण, उपायुक्त स्टाम्प कार्यालय में शिविर सहायक पाए गए उपस्थित, मंडलायुक्त ने मांगी सभी से स्पष्टीकरण। प्रदेश के किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार है कटिबद्ध है, गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को नहीं होगी खाद बीज की किल्लत, किसानों का आय होगा दोगुना। बारिश के कारण हुई हादसों में जिंदगी गंवा चुके दो लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने दी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय ने कहा मरीज ज्यादा होने के कारण रैबिज इंजेक्शन की हो रही है कमी। जिलाधिकारी ने सभी शासकीय कार्यालय एवं संस्थानों में प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्रयोग पर लगाया प्रतिबंध। रोडवेज कर्मचारियों ने दी चेतावनी, मांगे पूरी नहीं हुई तो कभी भी हो सकता है चक्का जाम। पूर्वोत्तर रेलवे के रिटायर्ड होने वाले 9 राजपत्रक अधिकारी एवं 62 अराजपत्रक रेलकर्मियों को समापक राशि का प्रपत्र देकर किया गया सम्मानित। और 12वें दिन भी जारी रहा प्रेरक संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, विभिन्न ब्लॉकों से आए प्रेरकों ने बनाई आगे की रणनीति।